दे भाई इंसानों का तो पेट भरना ही है, सालों ने मुझे बांध के डाल दिया। अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, खुदा दोबारा भला करेगा। अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, दे दे अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे दे दे। दे दिया अल्लाह के नाम पे दे दे। अब तो बदल हो गए साले, तुम्हारे दौर है, खाने पीने लायक हो गए, अब तो छोड़ दो। अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, मैं अब तो बतेरे पैसे हो गए सालो, अब तो छोड़ दो, मैं अब तो मुझे छोड़ दो सालो, मैं पड़ा पड़ा थक गया सालो। भिखारी शेख जी, हम कोई भिखारी हैं? तू बोल भाई। शेख जी चुप पड़े रहो, वरना हम छोड़ के चले आएंगे। मैं मुझे घोड़ा लाठ लगा के सोड़ रहे, कहाँ जाओगे? मैं मुझे छोड़ दो वरना मैं तो मर जाऊंगा सालो। मुझे लगा पीले सूट में झोटा आ रहा। तुम तीनों बैठे बैठे मुझे क्या देख रहे हो? ये बेचारा कौन है, इसे खोल नहीं सकते? लाओ मुल्ला जी, मैं खोल दो। नहीं नहीं मैडम, इसके हाथ मत लगा दीजिए, यह तुमसे लिपट जाएगा। हैं? यह पागल है। क्या ये पागल है? हे भगवान, पर तुम इसके पास क्यों बैठे हो? हम इसलिए बैठे हैं मैडम यहाँ, इसे कभी कोई जानवर ना खा जाए। हैं? ठीक है, पड़ा रहने दो, मैं जा रही हूँ अपने घर। तू भी चल दी। ओवे तुम भी निकल लिए सालो। ठीक है, अब तो मैं खुद ही मांगता हूँ अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, भाई अल्लाह के नाम पे एक रुपया दे दे। मेरे पे कुछ ना है भाई। कुछ ना तो सांड खोल दे मुझे। बस भाई ये लाठी निकाल दे, लाठी निकाल दे, निकाल दे, निकाल दे, साले ये भी नहीं खींची तेरे पे, निकाल दे। तुझे पता पूरे 5 मिनट हो गए लेटे लेटे, थक भी गया। अच्छा यहाँ थक गए 5 मिनट में, और वहाँ पूरे दिन लेटे रहो तो कुछ नहीं? वहाँ कहाँ लेटा रहा हूँ पूरे दिन? वहाँ शर्म तो नहीं आती होगी तुम्हें भीख मांगते हुए? पूरा गांव तुम्हें क्या कहेगा? मैं रुक जाना, पूरा गांव क्या कहेगा? साला मेरे हाथ पैर बांध कर मुझसे भीख मंगवाते, साला का खुद तक गुजारा होता नहीं, और साला ने मुझे बदनाम और करवा दिया। किसी के कहने में क्यों आते हो? तू ठीक कह रहे रुखसाना, और साले मुझे पड़ा हुआ छोड़ गए, आराम चलेगा उस लड़की के पीछे। अब कहीं पे काम कर लो, वरना सच मुझ में ही भीख मांगनी पड़ जाएगी, घर में आटा भी नहीं है। बार रुखसाना नाराजगी हो रही है, सॉरी 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 सॉरी, किसे कहते हैं सॉरी? सहू से बोल लो, वरना अपने घर चली जाऊंगी। आज के बाद सॉरी कहा तो गलती मानने से तो गए। चल गलती होगी गलती होगी गलती होगी गलती होगी गलती होगी, आजा 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 आजा। ये तो पता नहीं लाओ जान क्या क्या सिखाते हैं, सालों ने मुझे सॉरी सिखा दी, लोगों ने भी अंत काट रखी है। शेख जी, ओ शेख चिल्ली, शेख जी, शेख चिल्ली, शेख जी मैं रुक जाना, जरा बैठ, मैं देखता हूँ, मैं आ रहा हूँ, चिल्ला रहा मत, आ रहा हूँ। लोग तनक बैठने भी नहीं देते। अरे क्या कर रहे हो शेख जी? मैं एक बात बतलिए, जब तुम्हें मेरा घर दिखाई दे रहा तो चिल्लाने की क्या जरूरत थी? मैं तो ये देख रहा था तुम्हें दिख रहा था, फूट गई। अच्छा शेख भाई, सॉरी सॉरी। अबे सालों की सकल बिगाड़ दूंगा, सॉरी सॉरी बोल रहे हो? ये नहीं कह सकते गलती हो गई। शेख भाई गलती हो गई। हाँ ठीक है, बोलो कैसे आना हुआ? शेख भाई हम आए हैं अचपलगढ़ी से, हमारी सड़क पे काम हो रहा है, अगर आप चलो तो आपको 100 रुपए मजदूरी मिलेगी। और सुनो शेख भाई, अपने अलावा 4-5 आदमी संग में लाओगे, पर आदमी के ऊपर 5 रुपए कमीशन मिलेंगे। कमीशन मिलेंगे? यार अगर मैं लंगड़े को लूले को और टोपी बाज को ले जाऊं तो
मेरे 15 रुपए बन जाया करेंगे। हाँ कर देता हूँ। ठीक है भाई साहब, कल आ जाऊंगा। तो लो शेख जी, ये हमारा कार्ड है। ठीक है, चलो निकल लो। मैं निकल लो। आए पर आदमी पे कमीशन मिलेगा। मैं साले बिहार भी ठेकेदार हो गया आजकल। अरे साले लंगड़े कानार, वो टोपी वाला साला पटाए में आएगा जब नहीं आएगा साला। अगर आ जाए तो भाई साहब कमीशन 15 रुपए बना करेगा। शेख जी मजा आ जाएगा, रुखसाला भी खुश हो जाएगी। सोचता हूँ कहाँ मिलेंगे साले। शेख जी क्या सोच रहे हो? मैं सोच क्या रहा हूँ रुखसाला, मैं ये सोच रहा हूँ अगर उन लंगड़े को, गूंगे को और टोपी बाज को काम पे ले जाऊँ तो मजा आ जाएगा। तुम जानो या तुम्हारा काम, ना मैं किसी को जानती ना पहचानती, तुम्हें पता होगी। मैं जवाब बता दो तू क्या। चलो ना, चल चलो ना। सारे तू नहीं जानती था, हम जाने। सारे मैंने भी तारा हिरन ना बनाया था, मेरा नाम शेख चिली नहीं। आ रहा हूँ बेटे, आ रहा हूँ। आ जाने वाला नहीं है शेख चिली। अगर शेख चिली नहीं आया तो अब खर्चा कहाँ से होगा हमारा? मौज कहाँ से लेंगे अब हम? उसे आना तो चाहिए यार। मुझे लग रहा नहीं आएगा, नहीं आएगा। तू बता भी घूंगे, बोल। आएगा आएगा। तू आ रहा? मैं तीनों मेरे बैठी तो है। आओ शेख जी बैठो। भाई आ गए थे बैठे हो आज? आप तो कुछ बदले बदले से लग रहे हो शेख जी। बस यूं ही मेरा मन खुश है। क्या बात है शेख जी, तू बोल भाई। हाँ शेख जी, कैसे आए? मैं आया क्या, मैंने तुम लोगों के लिए काम ढूंढ लिया। बहुत अच्छा काम है, करोगे? मैं तो कर लूंगा। मगर शेख जी तुम्हें काम कहाँ मिला? हमारे गांव में तो है नहीं काम। मैं काम है, अजमलगढ़ी की सड़क में काम चल रहा, करो तो बतलाओ। तू बोल गूंगे। हाँ चलेंगे। गूंगे ने फिर फंसवा दिया यार। हाँ बेटा, हमें पता था तुम चलोगे। चलो चलो, अब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। वो वे लंगड़े, मुझे लगा है जो कल मिली थी ना, वो उसी काम की है। चलो चलते हैं काम पे। चलो शेख जी। क्या उसी गांव में है? मैं क्या पूछ रहे हो तुम? बोल भाई गूंगे। उसी गांव की लड़की है वो। चलो चलो काम कर लो। चलो 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 उठो। अरे जिन स्टोव में क्या जचराज होटा। अरे जिम से पैर रह गए झोटे। साले मुंह पिटवाओगे झोटे ने? मुझे लड़की झोटे बता रहे हो? मैं मुझे पिटवाओगे? अरे हाँ शेख जी। हाँ शेख जी, साले ऐसे हंस रहे हो? हाँ शेख जी। मैं काम कर लो काम। टॉप में जा रहा झोटा। ओ मैं भी सुन लगा यार, सुन लगा मरवाओगे तब। शेख जी जब तुम हो तो हमें क्या काम है? सुन लेगा कोई? भाई शेख जी सारा काम खत्म करके जाना, 2-3 दिन ही रहोगे, ठेकेदार ने बोला है। 2-3 दिन ही रहना पड़ेगा? हाँ जी। मैं क्या बोला बतलाओ, रहना यही रहोगे? हम तो तैयार हैं। तैयार है ठीक है जी, जाओ। हम तैयार हैं। कौन है भाईजान? अंदर को आ जाओ। भाभी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, कहिए क्या बात है? शेख जी तो यहाँ पर है नहीं। भाभी जी वो आज आएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास 2 दिन का काम है, मैं आपसे यही बताने आया हूँ। ठीक है भाई जान। अच्छा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह, अब तो शेख जी खूब कमाया करेंगे। दिया मुझे तो कितना बादार है। भाई ऐसे नींद ना आने वाली। ओ भाई टोपी बाज, भाई मैं तो अलग सोऊंगा। साले तुम तो मुझे बदबू से मार डालोगे।
ऐसे बात मारे बजाय मैं साले बताते भी नहीं हूँ। अच्छा शेख जी नाराज मत हो, एक काम करते हैं, एक कोडवर्ड बना लेते हैं। ठीक है बना लो भाई, जो बनाना है बना लो। सुनो भाई, जिसके भी पास आए वो कह देना आप आए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा भाई, रजाई हटा देंगे, बदबू उड़ जाएगी। क्या बात होगी बोल। हाँ हाँ हाँ, बदबू ना आने की है। ठीक है भाई, ये सही रहेगा। शेख जी सुबह काम पे हुई तो जाना जहाँ आज गए थे। हाँ वहाँ झोटा देखे थे। अबे सब सुनो, आराम से लेट जाओ, सोने दो, सुबह काम भी करना। अबे अब क्या हुआ बोल। मेरे आप आ रहे हैं। आप आ रहे हैं? कैसे गंदे आप आए साले के। चलो चलो चलो, निकल गई गैस। चलो मैं निकल गई, चलो चलो ले जाओ आराम से। शेख जी मुझे भी आप आ रहे हैं। आप आ रहे हैं? सड़ा के मारोगे मुझे सालो। कैसे कैसे करोगे? ठीक है चलो मुंह ढक लो। शेख जी रजाई हटा लो। क्या आप आ रहे हैं? आप आ रहे यार, अबे सोने दो यार, अबे सारे सड़ाके गिर दिया, सारे सड़ाके गिर दिया, नाकू दाव कैसे होऊंगा? बेटा शेख चिल्ली नाक से हाथ हटा लिया, मगर यार तीनों का नंबर आप पे आ गया, मेरे आप अभी तक नहीं आए, गड़बड़ लग रही है पेट में, कुछ फुल मना रहा है, कुछ करेगा, कुछ तो। मैं मुंह ढक्का सो जा, हमारे आप नहीं आने देगा क्या? मैं अब क्या हुआ है? मेरे फिर से आप आ रहे हैं। फिर से आप आ गए? बेटा फैश आ तेरी कोई कुल मुला नहीं रहा, मगर यार सबके नंबर आ गए सारे, दोबारा दोबारा नंबर ले रहे, हमारे आप नहीं आए, हम भी अपने आप बुलाते हैं, बुलाएंगे ये ठीक रहेगा। थोड़ा चुप पड़ा रहूंगा, सारे कैसे दाग बीच रहे हैं। शेख जी बदबू बहुत आ रही है, क्या आप क्या आ पाए हैं? किसके आप आए? बदबू बहुत आ रही है। बदबू तो आएगी, जब साला तुमने दो दो बार नंबर ले लिया, मेरा नंबर नहीं आने दिया, मेरे आप नहीं आए, मेरे तो आपके भी बाप आ गए। देखो अब मेरे लैटरिन निकल गई, चलो भागो। मैं कैसे करूं? मैं सारों ने फंसवा दिया मुझे, तो मैं अब क्या करूं? रुखसाना मारी कहेगी कच्चे में लैटरिन कर ली, अब साला कच्चा भी सन गया, साले कच्ची बैठ गई अपना मैं झेल जाऊंगा, आप ही आप कर रहे थे साले, बाप दिखा दिया सालों को। डाल दो यही। आ जाओ
और ढंग से भलैया, ढंग से भलैया नहीं मेरा कमी से भी ना मिलने को। अब तो जींस में आ रहा जोटा। जींस टॉप देखोगे अब भी दिखाती। अब तो गुस्से में दिख रहा जोटा, मारे गए झोटा हमारे पास आ रहा, डाल लो डाल लो। मैं क्या हो रहा देख रहा है, झोटा जींस में आ रहा, झोटा जींस में आ रहा। अबे आ लगड़ा घूमो साला, काम कर लो, तुम्हें पता दूसरा काम है साला, ना उठा देगा सारा। और मुझे लग रहा है तुम मेरी सिगल बिगड़वाओगे। भाई कौन पीटेगा हमें, हम तो झोटे की जींस देख रहे थे। हराम जादो, मैं दिखाती हूँ तुम्हें जींस टॉप में झोटा, अभी रुको। भाई काम कर लो, करते हो तो वरना डाले यार पीट के जाओगे। मुझे लग रहा लड़की गुस्से में, कुछ ना कुछ होने वाला। देखो शेख जी, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमारे बाप के पास बहुत पैसा है। हम तुम्हें बांध के भीख मंगवा रहे थे ना, वो भी हमारी एक चाल थी। हम तो यहाँ मौज लेने आए हैं, पैसे लेने नहीं। क्यों होंगे? हाँ हाँ, हमारे बाप के पास पैसे की कमी नहीं है, हमें तो एक झोटा चाहिए, वो भी जींस वाला। वो रहे हरामजादे। चलो जींस वाले झोटे की बात करा, सारा खाओ मार देगा झोटा। चलो और ऊपर से लगाओ, चलो चलो पकड़ो, मैं भरता हूँ। पकड़ लो हराम जादू को, मारो सालों को। भगलो भगलो, कुछ कहिए लड़की को, कुछ कहा? इन्हें छोड़ दो, इन्होंने कुछ नहीं बोला। पिटवा दिया मुझे, अच्छा लाया साल है। साल अगर मैंने भी बदला ना लिया तो मेरा प्लान सिलेक्शन ही नहीं। ठेकेदार कहा गया कम मुझे मरवा दिया ठेकेदार के बच्चे, कब के बैर निकाले तूने, मुझसे मेरा हिसाब दे जा। ये क्या, किस लिए क्या नाश करवा दिया, मरवा दिया है ये साला, आज की जारी से मिली गई लगड़ा टॉपी बाज। साला रूगा तुमने मेरा काम तो छिटवा दिया, मैं लगा साला ना जाएगा सारा बेटा, निकल ले निकल ले, वरना ऐसी है कहते छोटा और भी कहते तेरी देगा कचुमर बना देंगे। और नूरजा तू ठीक है? हाँ बाजी ठीक है। घर पे सब ठीक है? बढ़िया है। अब्बू और अम्मी? हाँ सब बढ़िया है। और सुना अम्मी को लिया थी? अब्बू गांव में है और अम्मी कुछ काम। चल ठीक है, पानी पिएगी? हाँ पानी पीऊंगी, अम्मी बहुत याद करती हैं। हाँ मैं भी बहुत याद करती हूँ उन्हें। शेख जी कहाँ है? शेख जी अभी बाहर गए हैं काम पे। अच्छा। वो यूँ कह रहे थे कि मैं आऊंगा, मैंने बता दिया तू आने वाली है, ले पानी पी। और बता खैरियत है? साले कमबख्त, साले घूमे लगड़े, साले गलती अपना आप करा, साले पिटवाओ मुझे। क्या बात हो गई शेख जी, कैसे नाराज हो, आज काम नहीं किया क्या? मैं काम तो कर रहा था पर सालों ने लफड़ा कर दिया और मुझे पिटवा दिया, गलती उनकी और सजा मुझे मिली। दूल्हा भाई रोना बंद करो और हमें बताओ क्या बात हो गई। क्या मैं तो गई सारे ना आ रहा है जो तुझे बतलाऊं, नुकसान को बतला रहा हूँ तू भी सुन ले। नाराज हो गए दूल्हा भाई? मैं इतना मारा लफड़ा ना मुझे और मैं नाराज भी ना हूँ, नाराज हो गए दूल्हा भाई? अच्छा चलो छोड़ो,
जो हुआ सो हुआ, अब तुम भी खाना खा लो और मैं भी खाना खा लूं। क्या मैं तो भी भूखी है। दूल्हा भाई मुझे भी खिला दो खाना। दूल्हा भाई खाना खिला दो, तेरा बाप का नौकर लग रहा हूँ, अपना काम कर, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। नूरजा बहन तूने भी उन्हें नाराज कर दिया, भूखे ही चले गए बेचारे। चलिया तू चलिया, आ जा रे मेरे दिल पर, पेट का दर्द मिटा जा। आओ न तुम तो हम घबराए, आओ तो बदबू आए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। अरे लंगड़े इसकी जुबान कैसे खुल गई बिगर सर पे मारे। हाँ यार मैंने समझा तूने मारा, इसका मतलब ये ठीक है। हाँ हाँ मुझे तो आ रही है पहले सोट वाली, मैं तो सालों पागल मना रहा हूँ। यार घर वाले शादी कर नहीं रहे, बाहर का भी नहीं कर रहा कोई। शादी की सुन ले, मैंने सुना गधे वाले बाबा जो भी उसके पास जाता है जो बता देता है वो ही होता है। बहू तो मिल जाएगी, पैसे चाहे कितने ले रहे हो, कौन सी जगह है वो। पैसे की तो मुझे पता नहीं पर काम फिट हो जावे। गूंगे वो गूंगे, और कितने पैसे ले लेगा वो। अब हूँ कैसे कर रहा, पहले तो बिगड़ मारे बोल गया तू, अब बोल। दो दो हजार रुपए लेगा, शायद तीन बार चाहे चार बार ले ले, चलेंगे जरूर। साले चार बार देने को तैयार हो, ऐसी शादी कराऊंगा साले, तुम भी याद रखोगे। मेरा विनाम शेख चिल्ली है, तुम्हारे लिए बैठाऊंगा, दुल्हन बैठाऊंगा तुम्हें। हाँ साले मुझे भी बदला लेना अपना, याद करेगी पूरी दुनिया, ऐसी बहू दिलाऊंगा तुम्हें। नूरजा आज मैं गाजर पका रही हूँ तो खा लेगी ना। अरे बाजी दूल्हा भाई नहीं आया अभी तक। साले साले आवाज मिलेन पे, साले मेरा नाम शेख चिल्ली है, हैं साले शेख चिल्ली से बंगा ले रहा, साले कर दूंगा ठीक, आवाज मिलेन पे साले। शेख जी क्या बात है, आज तो तुम कुछ ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हो। रुक जाना बाबा, यानी गधे वाला बाबा शेख चिल्ली बाबा है, यानी शेख नाथ बाबा, साले आवाज मिलेन पे। क्या बात हो गई दूल्हा भाई, किसे लाइन पे ला रहे हो। तुम दोनों भाई देख लेना, जो मैं कहूंगा वही करती रहना। एक बार सुनो रुखसाना, जो मैं मेले में से नकली जारी पूछ लाया था ना वो निकाल के ला, और एक बार सुन ले तुम्हें दोनों को चलना पड़ेगा, जो मैं कहूंगा वही करती रहना, बदला लेना। हाँ हाँ बदला ले लेना, पहले रोटी तो खा लो। खा लेंगे खाना भी। अरे रुखसाना एक बात है, तेरी भंद गदर हो रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। शर्म नहीं आती ऐसी बात, मैं मेरे को लगा दे दी, मैं इसे देख के मुझे वो बात ध्यान आ गई तेरी वाली। वो वाली कौन सी। मैं वही जब मैं तुझे ढूंढता फिर रहा था। सिख हटो ना, तुम्हें शर्म नहीं आती, नूरजा भी क्या कहेगी। नूरजा से शर्म आ रही है, ले मैं शर्म आ जाऊंगा। अब तो शर्मा ना, अब ऐसा करो दोनों उठ लो, चलो मेरे साथ, मेरे साथ चलो। टोपी बाज की भी लंका ना लगाई तो मेरा नाम शेख श्री नहीं और तेरा नाम रुखसाना नहीं। सारे लंगड़े लूले काने वेरे पीछे पड़ गए, चलो सब। अरे जोटे कांप रहे हैं, कभी कभी हमसे भी कुछ कह दिया कर। उस दिन ना कहीं भूल गया क्या। अच्छा वो हम तो भाग गए पिटा से चिल्ली। अच्छा तू एक बार बता, तू मेरे से नाराज है। अगर मैं तुमसे नाराज हो तुम्हें क्यों ढूंढती फिरती बोलो। यानी के तू भी। हाँ 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 मैं भी। तू मुझे पहले तो नहीं मिली। अरे मैं तो
कल भी आई थी, तुम कहाँ फिरो हो? आज गधे वाले बाबा से कुछ मांग जा रहे हैं 3,000। बाबा से कहना मेरी बिजली को मुझे दिला दो। तुम्हें पता है बाबा जो कहते हैं वो सत्य होता है, जो मांगोगे वही मिलेगा। ठीक है, तो बाबा से मैं अपनी बिजली को मांग लूंगा। निकल ले बिजली, निकल ले, वो वाले लंगड़े घूमे। चल चल। कौन था भाई? मुझे लगा पीले सूट वाला झुट्टा था। कहाँ भाई कहाँ? हमने देखा, अभी गया। छोड़ो चलो यार, कभी बाबा निकलना जाए। चलो चलो चलो। सुनो, सब सुन लो, जैसे मैंने तुम्हें समझाया ना वैसे करना। ठीक है सेठ जी, मैं इसे समझा कर लाई हूँ। ये मरीज है, इसे दुख कटवाना है। ये ठीक है। और नूरजा तो सुन, वो गुंगा रही गुंगा, उसे एक तरफ ले जाके उसके सर पे टोका मारना पड़ेगा जब बात करेगा वो। सेठ जी वो आ लिए। हाँ बैठे तो बाबा, तुम शुरू हो जाओ। अटेंशन ऑल जलाल, कोटो दुनिया का जंजाल, आल आल जलाल, दोनों भाई बवाल, दोनों मिलकर करो कमाल, काटो दुनिया का जंजाल। तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, ये हम बतलाएंगे। हम बैठे किस लिए हैं? हम अपने आप बतलाएंगे, यानी हम गधे वाले बाबा शंकरनाथ बाबा यानी शेखनाथ बाबा हैं। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें पीटा, तुम्हें घर से निकाला, वो भी अपने घर वालों के कहने से। चली गुरुजी, आगे तुम बतलाओ। ठीक है गुरुजी। और तुम्हारे घर में एक नीम का पेड़ है, घर जाओ और तुम्हारी पत्नी तुम्हारा नीम के नीचे इंतजार कर रही है और वो अपनी गलतियों की माफी भी मांगेगी। वो कैसे बाबा? हम सबे देख रहे हैं, कौन कहाँ देख रहा है, क्या गूंगे? बाबा गलती हो गई बाबा। कोई गलती नहीं हुई, सीधे खड़े रहो। ये लो गुरुजी। और तुम ये धागा लो, अपनी पत्नी का नाम लेकर के नीम के पेड़ पे बांध देना। तुम्हारी पत्नी दौड़ी चली आएगी और अपनी गलती की माफी मांगेगी। बाबा कितने पैसे? पूरे 1,000 रुपए, अगर कम करे तो दुगने कर दूंगा। अलाल जलाल, दोनों भाई बवाल, दोनों मिलकर करो कमाल, काटो दुनिया का जंजाल। ये लो और उधर बैठो जाओ। बाबा इनका भी दुख काट दो। इन सब का दुख? बाबा पहले मैं बताता हूँ अपना दुख। खड़े हो जाओ, हम बतलाएंगे। हम वैसे ही नहीं है गधे वाले बाबा, यानी कि शेखनाथ बाबा। अलाल जलाल, दोनों भाई बवाल, दोनों मिलकर करो कमाल, काटो दुनिया का जंजाल। बाबा बताओ, पहले मेरी बताओ। बाबा तुम पहले इसे बता दो। हाँ तो सुनो, तुम पहले झूठ वाला झोटा यानी बिजली को चाहते हो। हाँ बाबा, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, पर उससे मिलू कैसे? मिलना है, निकालो 2,000 रुपए। मगर बाबा उससे तो तुमने 1,000 रुपए लिए। उसकी शादी हो चुकी है, उसे अपनी पत्नी चाहिए वापस। तुम्हारा लव चल रहा है, यानी के अफेर, इसलिए डबल लगता है।
ये लो बाबा, वो कैसे मिलेगी? सुनाओ अलाल जलाल, दोनों भाई बवाल, दोनों सुनकर करो कमाल, काटो दुनिया का जंजाल, चाल कर बच्चे का कमाल, चलिया ये ले धागा और सुन, इसे अपनी बिजली के हाथ में बांध देना या किसी से बंधवा देना, बनते ही वो तेरी तरफ दौड़ी चली आएगी और तेरी हो जाएगी। ठीक है बाबा, मैं चलूं। भाई हमें भी तो पूछना। तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। हाँ गूंगे की शेटिंग हो सकती है, हम सब देख रहे हैं। चुप रहे। बाबा मेरे कहीं शेटिंग नहीं है, मैं तो आपकी चेली को देख रहा था। ये चेली है, एक तरफ मिलो, तू भी बहू की तलाश में आया है यहाँ पर। बोलो। हाँ बाबा। हाँ बाबा, तो निकालो 2000 रुपए वरना डबल कर दूंगा। दे। ये लो बाबा। ठीक है, जाओ मिलो चेली से। चलो चलो चलो, ज्यादा गड़बड़ मत कर देना। अलाल जलाल, दोनों भाई बवाल, दोनों मिलकर करो कमाल, काटो दुनिया के जंजाल। क्या बोलना चाहते हो? मेरा नाम मुन्ना गुंगा, मैं तुम्हें आई लव यू बोल। आई लव यू। लंगड़े, तुम्हारी टांग का इलाज हो सकता है, ठीक हो सकते हो, मगर कितने पैसे लगेंगे? 1000 रुपए। हाँ हाँ हाँ, पूरे 1000 रुपए। तुम अच्छे इंसान की तरह चल सकते हो। मगर बाबा कुछ। अगर मगर कुछ नहीं, निकालो 1000 रुपए। कितने? पूरे 1000 रुपए। पूरे 1000 रुपए। मगर बाबा मैं टांग ठीक कराने नहीं आया हूँ, बहू के लिए आया हूँ, बहू के, मुझे बहू चाहिए। क्या कह रहे हो? पहले टांग ठीक करा लो, फिर बहू अपने आप मिल जाएगी। नहीं बाबा, मुझे तो बहू चाहिए, बहू। तो तुझे बहू चाहिए, टांग नहीं, टांग से भी ज्यादा बहू प्यारी है। हाँ बाबा बिल्कुल सही जाना। ठीक है, तो जरा सर यहाँ झुकाओ। ठीक है बाबा, अभी झुकाता हूँ। यहाँ बाबा छोड़ दो। हमारा काम दौड़ लिया, हम तो चले। हाँ तुम्हारा काम है, निकल लो, निकल जाओ, निकल जाओ साले, ले आला जला छोड़ दे पर, ले जाओ साले, छत पर ले जा रहे साले, चले जाओ। वो ठीक रहा है ना रुखसाना? बिल्कुल ठीक रहा है शेख जी। तुम्हें एक बार बदली नूरजा, मैं उससे बिल्कुल ही चेप हो गई, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मुझे कुछ दाल में काला लग रहा। कोई बात नहीं है शेख जी, लड़का अच्छा है, तुम्हारा साड़ू बन जाएगा। ठीक है, सोचू इस बारे में। भाई लंगड़े, मेरा एक काम कर दे, इस धागे को बांध दे। यार मैं तो लंगड़ा हूँ, मेरे पे तो भागा भी नहीं जा रहा, इस काम को तू गूंगे पे करवा ले। बोल गए गूंगे। भाई मुझे मरवाओगे, मेरे पे तो शोर भी न मचने को। यार तू तो ठीक रहेगा, तू बोलेगा अब नहीं, भग भी जल्दी आएगा, वो तो लंगड़ा है, अपने यार पे एक एहसान तो कर दे।
ध्यान से बांध दियो धागे को, गलत ना हो जाए। एक ही बार काम करेगा धागा, बार बार नहीं करेगा। मुझे तो टोपी बाल ने भेजा। मम्मी पापा मम्मी चोर चोर चोर। नहीं चुराया? नहीं। साले चला जा। साले ना भी जान से हाथ धो बैठता। मैं अभी सेठ जी से कहती हूँ, तू जा रही है। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। क्या बात है? तुम सो रहे हो? देखना नूर जो जाने के लिए कह रही है। जाने को कह रही है? मैं कहाँ जा रही है कमबख्त? तू अभी तक मेरा मिशन अधूरा और तेरा मिशन पूरा होने वाला नहीं। बोलो क्या करना अधूरा भाई? मैं करना कुछ नहीं, वो लड़का ना तेरे से उसने मिला, बस उससे तू आज फिर मिल, बस उससे तू प्यार से बुलाइयो, आ जा आ जा आ जा, और जब तेरे पास आ जावे बस तू शोर मचा दियो और फिर मेरा काम है बस। मेरे पे हो जाएगा ऐसे? क्यों बाजी? सेठ जी कैसे कैसे काम बता रहा लड़की को? मैं ऐसे काम लड़कियां ही तो करती है। मगर दूल्हा भाई टाइम पर आ जाना, कभी वो मेरे साथ कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर दे। टाइम पे आ जाना दूल्हा भाई, कभी कुछ गड़बड़ कर दे। भाई एक बात सुन ले, मेरा बगैर तेरे साथ कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता। सेठ जी मुझे क्या पता था वो गुंगा तुम्हारा यार है, बेचारा गलत फिट गया। बाबा का धागा भी कमाल है, आखिर तुम मुझे मिली गई। चल तुझे घुमा के लाता हूँ। कहाँ ले जा रहा है इस तितली को? जा रहे हैं कहीं भाई, रास्ता छोड़ दो। तू इस तितली को छोड़ दे, हम तेरा रास्ता छोड़ देंगे। जाओ भाई जाओ। साले हमें जाने को कह रहा है, चल भी नीचे उतर उतर। रुक जाना, देख लग भी रहे हैं असली से हम। हाँ सेठ जी बिल्कुल लग रहे हैं। देखना सेठ जी मैं कैसे लग रही हूँ? तो तभी मैं असली से भट्टे की चिमनी। चिमनी? ओबे कुछ गड़बड़ होने वाली दिखे साली। रक्षाना धमकाओ धमकाओ। अरे क्या देख रहा भाई साहब? आप पुलिस में हो? पुलिस में शक करता है? किसी नौटंकी में काम करते हो? पुलिस में शक करता है, बंद कर दूंगा, चल अपना काम कर। जय हिंद दरोगा जी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। निकल जा निकल जा निकल जा। रक्षाना साला जय हिंद कर रहा। असली से लग रहे हैं बिल्कुल। असली लग रहे हैं ना? ओबे 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 रुक जाना। ओबे मुझे दिख रहा है झगड़ा कर रहे लोग। हाँ सेठ जी चलो चलते हैं, छुड़वा देते हैं। अरे अंदर
साल ही उल्टा ना लपड़ा पड़ जाम भाई। शेख जी हिम्मत से काम लो, चलो चलते हैं। पीछे करे हिम्मत से काम ले। हाँ। यानी के झगड़ा। हाँ। शेख चिल्ली के इलाके में झगड़ा। चलो अपनी जगह से हिला, गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा, कोई अपनी जगह से हिला मार दूंगा गोली। लफड़ा यानी के लड़ाई। सारे लफड़े की जड़ ये लड़की है। दरोगा जी हमारी कोई गलती नहीं है, हम लोग तो जा रहे थे। जा रहे थे तो जाओ, खड़े क्यों हो, निकल लो, निकल लो। हाँ तो लफड़ा करते हो, दीवानगी से चलते हो, साले आशिकों को छेड़ते हो। इधर आओ, मैं बनाऊंगा तुम्हारी मुर्गी। यानी कि मेरे इलाके में लफड़ा करते हो, लफड़ा करते हो मेरे इलाके में। दरोगा जी हमें माफ कर दो दरोगा जी। अच्छा तो तुम्हें अंदर करना ही पड़ेगा। अंदर करना पड़ेगा, सीधे खड़े हो। इधर आओ, चलो बैठो। मुर्गा बन, बैठो बन, मुर्गा बनो, मुर्गा बनो। लफड़ा करते हैं, दीवान जी गलती हो गई। इंसल्ट करते हो, इंस्पेक्टर को दीवान जी कहते हो। गलती हो गई तो उसे भरो। रिस्पेक्ट यानी के गधे वाला बाबा नाथ को शेख सिलसन का नाम, यानी के इंस्पेक्टर को रिस्पेक्ट देते हो। सर कोई बात नहीं, ये भी अपने ही भाई है, जाने दो। ठीक है जाओ। और सुनो, आज के बाद नजर मत आ जाना, अगर आए तो हम नजर नहीं आएंगे। निकल लो और दिखाई मत दे जाना, निकल लो। शेख जी ना तो नूरजा मिली और ना मिला गूंगा। बाहर में जाओ, ना नूरजा मिली ना मिला गूंगा। अच्छे फंस गए, 500 रुपए आ गए। ठीक है शेख जी, वर्दी का किराया तो चला ही जाएगा, ये भी देना ही था। मैं देना तो था, चलिए तो ठीक है, मगर नूरजा को गूंगा को देखो, कभी सारी ज्यादा लफड़ा हो जा। हाँ शेख जी चलो देखते हैं। तुम भी ना हटो। धोखा यानी क्या गद्दारी। डरो मत डरो मत, ये अपने ही आदमी है। धोखा। पुलिस जी मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो अपने आप आई है। गधे वाले बाबा हरिशंकर नाथ से एक्चुअली दरोगा को धोखा। खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर। ए तू कैसा खड़ी है, हाथ ऊपर कर वरना गोली चल जाएगी। गोली तो चल गई बाजी। क्या मतलब? मेरा मतलब पुलिस वाली बाजी। यहाँ रिश्तेदारी जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये अभी सारू नहीं बना है। रिश्वत नहीं देगा क्या शेख सिल्ली का वाले बाबा यानी दरोगा को? क्या मान रहा है तू? इनसे पैसे मत लो। चुप करो और निकालो, और ना कल दे दूंगा। ठीक है कल दे दियो। क्या बात है, आप तो शेख चिल्ली है, पहचानने में नहीं आ रहे हैं। चलो निकलो निकलो, मैं निकल लो। आए मैं गूंगा गूंगा साला, बेकार ये साला, मैं साले ने मैं शेडिंग करनी नहीं आती, रस्ते में पड़े अंदर ही मैं पड़ रही जाकर। अच्छा कोई बात नहीं, किराए के पैसे तो मिल ही गए, अब वर्दी के पैसे चले जाएंगे। चलो हम भी जल्दी बोल लेते। तो ना
अगर हम अगली पुलिस में होते वो लेगा वहां बैठा तगड़े में रस्ते में होश में बैठ आस की कर रहा था ना। नुकसाना हाँ शेख जी एक बकरा हो रहा इसे भी हलाल कर लेते हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा साल मेरा भी नाम शेख चिल्ली है। ठीक है शेख जी वर्दी का किराया पूरे दिन का तो देना ही है जो भी आए उसे लपेट दो। ठीक है ये आई है फिट आ जाओ। आए लंगड़े इधर आओ। दीवान जी मैं जरा जल्दी में हूँ। मैं जल्दी आता है लेट करा दू। सुनी नहीं बिगर पिटे आवे ना आवे या एक दो लगा दू। ठीक है जी आ रहा हूँ। अरे बेटा आ जा आ जा। हाँ जी दीवान जी इंस्पेक्टर का दीवान जी कहता है वैल्यू घटाता आराम जाते। दरोगा जी गलती हो गई। फिर गलती गलती में गलती इंग्लिश में बोल इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब माफ कर दो। डबल गलती यानी के दो गलतियाँ तुझे जेल के अंदर जरूर धकेलूंगा। साहब जेल के अंदर मत धकेलो कुछ ले दे के ही काम चला लो। हाँ जी काम चला लो। आहा तो निकाल। और सुन तुम तीनों ने यानी के टोपीबाज और गूंगा और तूने तुमने शेख चिल्ली को पिटवाया था ना आजपल गड़ी में बदला लूंगा। आहा है इंस्पेक्टर साहब तुम्हें कैसे पता चला। आहा हम सब जानते हैं उसने तुम्हारे नाम की रिपोर्ट लिखाई है 10 साल की सजा जरूरी है तुम लोगों को। और सुन तू बच सकता है अगर उन दोनों को शेख चिल्ली के घर माफी मांगने के लिए लिया है तो। ले दरोगा जी फिर दरोगा इंग्लिश में बोल इंस्पेक्टर। मैंने तुझे हल्का सा इसलिए मारा है कि तू अपना आदमी है। जी हाँ। और सुन मैं तुझे बचा सकता हूँ मगर उन दोनों को जरूर सजा होगी क्योंकि उनके पीछे 2 पुलिस वाले पड़ चुके हैं। अब तू जा जो जल्दी में था हमें अपना किराया भी देना है। क्या क्या वो तू जा। ठीक है साहब मैं उन दोनों को लेके जरूर जाऊंगा शेख चिल्ली के घर माफी मांगने। ठीक है रुसाला। ठीक है जी ये सही मुर्गा कट रहा और साला डर गया। हाँ। साले ने गैली गल दी थी जैसे बाप का मालो। हाँ। ठीक है घर चलते। टोपी बाज भाई गूंगे भाई तुम तो यहाँ मौज ले रहे हो मुझे तो 10 साल की सजा होने वाली है। क्यों भाई है ए जी इसका तो पजामा भी गीला हुआ पड़ा है। हैं? बोलो क्या बात है अजी तुम पूछो तुम्हारा यार है। अबे कौन देगा तुझे सजा और किस बात की सजा देगा। वो हमने शेख जी पिटवाए थे ना आज 2 पुलिस वाले मिले वो बता रहे थे। पुलिस वाले एक आदमी और एक औरत। हाँ क्या तुम्हें भी मिले। क्या कह रहे थे वो दोनों। वो कह रहे थे शेख जी के घर जाकर माफी मांग लो वरना 10 साल की सजा पक्की है। हम तो उनके शुक्रगुजार हैं चलेंगे भाई उन्होंने हमारी जिंदगी दिला दी। ठीक है चलो जाना बाद में बेटे पहले पिछला हिसाब को देके जा। अरे रे छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे अभी बताती हूँ। ये ले और ले। अभी बताती हूँ। सालो लंगड़े से पंगा एक टांग से मारूंगा। ए दंगा करते हो लफड़ा करते हो कौन थे ये लोग। अजी हमें क्या पता। तुम्हारी कोई दुश्मनी तो नहीं है। कोई दुश्मनी नहीं है सर। कोई बात हो तो थाने में आके रिपोर्ट लिखा देना।
शेख जी, शेख जी। अरे तुम लोग सब यहाँ, सब खैरियत तो है? शेख जी इन्हें माफ कर दो, ये सुधरने वाले नहीं थे, अगर आप ना होते तो। क्यों, क्या बात हो गई? बाजी तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मुन्ना जैसा हम सफर दिलाया। क्यों? हाँ शेख जी आप तो बहुत अच्छे हो, हम तो आपको इडियट समझते थे। हमें पता था शेख जी, पुलिस वाले आप ही थे, हम कुछ नहीं बोले। ए, ये थे शेख जी, हमारे 500 रुपए तो दे दो। तुम लोगों की सजाती ठीक करने की। देख लो शेख जी, हमने तुम्हें पहचान लिया था वर्दी में भी। अबे टोपीबाज, मैं तुमसे पिछला ही कहा था मैं। तुम्हें तो पूरा का पूरा इडियट बना दिया था शेख जी ने। वो कैसे भाभी जी? वो ऐसे तुम बाबा के पास गए थे, बताओ कौन था वो बाबा? हाँ बोलो बोलो, कौन था वो गधे वाला बाबा? शेखनाथ बनाना है बेटा तुम्हारा इडियट। मगर शेख जी हमें तो पता था, पहले हमने बनाया तुम्हारा इडियट, क्यों घूम गए? हाँ शेख जी, क्योंकि मुझे तो पता था, किसी बाबा ने बताया था कि शादी के बाद तुम्हारा गूंगापन हट जाएगा, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है आपसे। ओ बेटे, इसका मतलब तू ठीक हो जाएगा। अच्छा सब एक बात सुनो, रोजाना अगर तू मेरी बात मानो ना तो इनकी सजा माफ कर दे। तो समझ लो मैंने इसकी सजा माफ करा दी। सजा माफ करा दी? हाँ। वो कैसे? वो ऐसे, मेरी एक और नूरजहां से छोटी बहन है। हाँ। मैं इसकी शादी उससे करा दूंगी। उसके बाद तुम चारों हो जाओगे बराबर बराबर। अब हम समझ गए। क्या समझ, क्या समझ गए? मैं बतलाता हूँ। हम हैं।